दोस्तों साल 2012 में पूरा देश निर्भया केस के लिए सड़कों पर उतरा। साल 2024 में वही आक्रोश एक बार फिर कोलकाता में देखने को मिल रहा है। लेकिन साल 2012 से साल 2024 के बीच इसी बीच अगर भारत में महिला सुरक्षा को अगर आप जानेंगे तो शायद आपको सुनने पर यकीन नहीं होगा। जब पहली बार देश में गुस्सा था महिला सुरक्षा को लेकर 2012 में, तब भारत में हर 2 से 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता था घंटे में। लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़ चुका है। आज 15 से 20 मिनट में भारत में 1 महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 के बाद हालात बदतर होते गए हैं, साल पर साल ये बढ़ते गए हैं। और 2022 के जो आंकड़े थे वो कह रहे थे कि हर एक दिन में तकरीबन 87 महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती है और हर एक घंटे के अंदर 3 से 4 बच्चे इसके शिकार होते हैं। ये पूरे देश की कहानी है, ये सिर्फ कोलकाता से लेकर दिल्ली की कहानी नहीं है। निर्भया केस के बाद 2012 के बाद देश में तमाम कानूनन बदलाव किया गया था, लेकिन आज सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो कानून कर इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। 2012 के बाद दुष्कर्म के मामले बढ़ते गए। बरस में हर 22-23 मिनट में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जबकि 2012 में ये घटनाएं कम थी लेकिन अब बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, चैरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि हर 15 मिनट में एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन 2018 से लेकर 2021 के बीच सरकार की तरफ से जो फंड जारी किया गया उसमें ये पता लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल 30 रुपए सालाना खर्च किया जा रहा है, बाकी पैसा बाकी कामों में लग रहा है, लेकिन सुरक्षा वाला पैसा केवल 30 है। बड़ी बात यह है कि निर्भया फंड बनाया गया था। निर्भया फंड को लेकर भी जो रिपोर्ट आई वो ये थी कि 30% पैसा ऐसा है निर्भया फंड का जो इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा है, इसलिए कानून बना रहा और उनको इम्प्लीमेंट कर जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। 16 दिसंबर 2012 के रात को दिल्ली की सड़कों पर एक प्राइवेट बस में एक घटना को अंजाम दिया गया था जो कि भारत के इतिहास में काले दिन के तौर पर लिखा जा सकता है। ये वो घटना थी जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल तक कहा गया। लोगों को तब शायद दुष्कर्म और क्रूरता का एहसास हुआ। उसके बाद रेप को लेकर अनगिनत कहानियां सामने आई और शायद इसी वजह से पूरा देश एकजुट होकर कहा था कि निर्भया को इंसाफ दिलाया जाए। सारी जनता सड़कों पर उतर आई थी। उसके बाद कई कदम उठाए गए, जस्टिस जी एस वर्मा कमेटी बनाई गई, सिफारिशों को लागू किया गया, हर जिले में पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात की गई, हेल्पलाइन शुरुआत की गई, निर्भया फंड जारी किया गया, निर्भया स्क्वाड निर्भया ऐप बनाया गया। और शायद उस वक्त सबको लगा था कि अब देश में स्थितियां बेहतर हो जाएगी, महिला सुरक्षा जो है वो बेहतर स्थिति में आ जाएगा, भारत में दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कमी आएगी, ये लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ कागज पर ही की गई और ये एनसीआरबी की आंकड़े है। 2012 में जब निर्भया को अंजाम दिया गया था तब 24,923 मामले आई थी, अगले साल 33,707 मामले आए, 2014 में ये आंकड़े और बढ़े, 36,735 हो गई, 15 में कम हुए लेकिन 16 में 38,947 हो गई। इसके बाद 2020 तक कभी भी ये मामले 30,000 से नीचे नहीं आई। 2020 में सबसे कम मामले आई थे 28,000, लेकिन फिर 2021, 22 और 23 में ये मामले एक बार फिर बढ़ गया। यानी निर्भया केस के बाद जो पूरा देश जो सड़कों पर था और उम्मीद थी कि शायद स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वो बेहतर नहीं हुई। और इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स की कई सारे राय है। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए, जिनके साथ ये घटनाएं हुई है उनको लेकर सहानुभूति होनी चाहिए, जो पीड़ित है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, जैसा कि अदालतों में कई बार होता है, कई बार उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। नेताओं को लेकर ऐसी बात अगर सामने आ रहे हो तो उनके साथ अलग तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिनको सजा दी गई है उनको बार बार घूमने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसे लोगों पर रहम नहीं करनी चाहिए और सभी मामलों को समान रूप से व्यवहार होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा देश में कोई बदलाव नहीं होगी। निर्भया केस के बाद भी उनकी मां ने कहा था कि सालों बीत गए हैं लेकिन देश कुछ नहीं बदला।
आज भी इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। कोई विभत्स घटना आती है तो लोग सड़कों पर चले आते हैं, लेकिन सच यही है कि ऐसे लाखों मामले हैं जो सालों साल से अटके पड़े हैं, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। और इसी वजह से 2012 से लेकर 2024 के बीच कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि उस वक्त बर्मा समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जो कहा गया था कि बलात्कार, यौन पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, पीड़ितों के चिकित्सा जांच, तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, और कहा था कि इसको अगर इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। पुलिस बल को और ज्यादा एम्पावर्ड करने की बात की गई थी कि इस मामले को वो उठा सके। पुलिस बलों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन देश में हमारे पुलिस बलों की ड्यूटी केवल नेताओं के मूवमेंट और नेताओं की सुरक्षा के लिए लगी रहती है। सरकारें बातें करती है और सरकार से घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, और स्टेट देकर ये तय होता है कि किस स्टेट के लिए आवाज उठानी है, किस स्टेट के लिए खामोश हो जाना है। इसी बीच उत्तराखंड से भी एक खबर आई है कि जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी रात को, हॉस्पिटल से उसकी हत्या कर दी गई। समाज में औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है रेप के लिए। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसीलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, वो छोटी स्कर्ट्स पहनी हुई थी। औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी स्ट्रेंजर के साथ बात कर नहीं करनी चाहिए। सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दिया जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। और क्या होता है दोस्तों, ऊपर से रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। लोग तो बोलते हैं कि इसके बाद रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में रेपिस्ट के साथ कुछ भी नहीं होता है। बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है।